हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्टकट किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मलाईदार कुल्फी। बिना ज़्यादा इंग्रेडिएंट को यूज़ किए हम इसको बनाएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लेंगे पूरा, और इसको हम गैस पर रखकर ऑन कर देंगे। हमें पूरा फुल क्रीम दूध लेना है, इससे कि जो हमारा आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब हम इसको कंटिन्यू हिलाते हुए इसको चलाते रहेंगे, और हमें इसे 1/4 तक कर लेना है। तो हम इसे इसलिए हिलाते रहना ताकि ये नीचे चिपके नहीं। चिपकने से क्या होता है, आइसक्रीम का फ्लेवर कम हो जाता है। जब तक ये 1/4 नहीं हो जाता तब तक हम इसे कम करना है। अब ये देखिए 1/4 यहाँ पर रह गया है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है हमारा जो आइसक्रीम का घोल है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बनकर तैयार हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है गाढ़ा होने के साथ साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 1 लीटर में मैंने 1/2 कप शुगर लिया है, और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम इसको चलाएंगे अच्छे से जब तक ये पूरा इसमें घुल ना जाए। और देखिए अच्छे से घुल गया है। यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसे हैंड विस्कर की मदद से फेंट लेंगे ताकि कोई भी तरह का मलाई हो वो अच्छे से मिल जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसे फेंट लेना है, तो ये एकदम अच्छा एकदम मलाईदार बाजार की तरह कुल्फी बनकर तैयार होगा। जैसे मार्केट में हमें मलाई वाला कुल्फी मिलता है बिल्कुल उसी तरह। अब कोई भी इस तरह का आपके पास जो कुल्फी जमाने का स्टैंड हो उसमें हम इसको डालेंगे, पोर करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी इसको दूसरे मतलब ग्लास पेपर ग्लास में जमा सकते हैं, या फिर कटोरी में ग्लास में किसी में भी आप जमा कर इसको स्टिक लगा कर कुल्फी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, कम से कम हमें इसे ओवरनाइट या 10 घंटे के लिए फ्रिज करना है। उससे पहले देखिए हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे जो इसकी लिड है, और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे कि अच्छे से सेट हो जाए। देखिए ओवरनाइट हमने रख दिया था, अभी हमारा आइसक्रीम रेडी है, हमने निकाल लिया है फ्रिज से इसको। अब हमें एक कोई भी इस तरह का टोपिए में पानी लेना है, हल्का सा इसको डिप करना है, बिल्कुल 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं करें, और बाहर निकाल लेंगे। इससे क्या है हमारा जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छे से बाहर निकल आएगा। अगर आप इस पानी का प्रोसेस में नहीं डालें, डायरेक्ट निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर इस तरह का पानी में डालने से देखिए कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है हमारा आइसक्रीम। ये फटाफट से निकल जाता है, देखिए कितना अच्छा और स्मूथली बाहर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है बहुत ही टेस्टी कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला मलाईदार कुल्फी। अब इसको हम गार्निश करेंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर पिस्ता छिड़क देंगे इस तरह से। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं बनाते वक्त। तो ये अब रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।